हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल क्लियर बायोलॉजी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि नीट की रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट 30 डेज के लिए, ताकि आपका सारा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए, बहुत अच्छी रिवीजन हो जाए, कोई भी पार्ट आपका ना बचे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायो के बारे में। बायो, हम सब जानते हैं कि बायो में टोटल हमारे पास 38 चैप्टर्स हैं। और इन 38 चैप्टर्स को हमें कैसे कवर करना है एक महीने में, ये मैं आपको बताऊंगी। आपको डेली एक चैप्टर को पढ़ना है। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या फिर आपके जो खुद के नोट्स होंगे आप उनसे पढ़ सकते हैं इसको। और उसके बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर को रीड करने के बाद तभी की तभी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका एक चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जब हम एक महीने में डेली एक चैप्टर करेंगे तो हमारे 30 चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे 8 चैप्टर्स रह जाएंगे उनके उनको कैसे कवर करना है? तो हम जानते हैं कि बायो में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो छोटे हैं काफ़ी, और एक दिन में 2 चैप्टर्स ईजिली कवर हो सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स आपको पहले एक लिस्ट बना लेनी है कि जो चैप्टर्स आपको एक दिन में 2 कंप्लीट करने हैं। एक लिस्ट बना लेना चैप्टर्स की, कौन से चैप्टर्स एक दिन में 2 करने हैं, कौन से चैप्टर एक दिन में 1 करना है। जैसे आपको ईजी लग रहा है आप वैसे उन चैप्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं। और आपको टोटल 8 चैप्टर्स को उनके बीच में इंक्लूड करना है। 30 डेज के बीच में 8 चैप्टर्स को आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी बायो की रिवीजन करनी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इस तरीके से करके देखिए, बायो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करना है। जिस क्वेश्चन के फॉर्मूला आपने रिवाइज़ किए हैं, सॉरी जिस चैप्टर के फॉर्मूलाज आपने रिवाइज किए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इससे आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है। तो 30 डेज में पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर हो सकती है अगर आप डेली एक एक चैप्टर करके कर रहे हैं तो। और अगर आपने फॉर्मूला चार्ट नहीं बनाया है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको अपने हैंड रिटन फॉर्मूला चार्ट दिखाऊंगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन चार्ट रिवाइज करना है। रिएक्शन चार्ट अगर आपने नहीं बनाया है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी, और वो आपको उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगी। अब वहाँ से आप मेरे रिएक्शन चार्ट को देख सकते हैं। अगर आपने खुद का बनाया तो बहुत अच्छी बात है। तो रिएक्शन चार्ट को, एक चैप्टर के रिएक्शन चार्ट को देखना है, फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो बुक नीट के लिए पर्टिकुलरली दी हुई है, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, आप वहाँ से इसे इजीली कर सकते हैं। किसी बुक से, एमटीजी से, अरिहंत से, या और भी आपके पास कोई बुक है तो आप इजीली वहाँ से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक आप कोई भी ले सकते हैं जो नीट के लिए हो, ठीक है। ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी से या अपने नोट्स से एक चैप्टर को रिवाइज करना है, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये था केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, केमिस्ट्री में आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और 30 डेज में बहुत अच्छे से सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम है। बायो में चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप कुछ चैप्टर्स एक दिन में 2 भी करने पड़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में डेली एक चैप्टर करने से हो जाएगा। अब फिज़िक्स में कैसे करना है, फिज़िक्स में आपको सेम फिज़िकल केमिस्ट्री वाला ही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला चार्ट, किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट उठाना है,
उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, देन आप किसी भी MCQ बुक से जो नीट के लिए हो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी फिजिक्स भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन स्ट्रैटेजी है तो रिवीजन में आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, आपको सारे चैप्टर्स को कवर अप करना है बहुत जल्दी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, लास्ट 1 मंथ में सारे चैप्टर्स को आपको एक बार फिर से देखना है। तो इसलिए मैं आपको ये वे बता रही हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना है, आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। आपको पहले से आता है, आपने थ्योरी पहले से पढ़ी हुई है, मैं ये मान के चल रही हूँ, लेकिन बायो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी ही मेन है, तो आपको उनको वैसे ही करना पड़ेगा, आपको NCERT बुक से करना है, नोट से वैसे ही करना जैसे आपने पहले किया है, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप करना है ताकि आप कुछ भी भूलो ना। एक तो तरीका यह है कि आप डेली सब चैप्टर्स के एक सभी सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर को आप कवर कर लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले बायो को कंप्लीट कर लें, फिर केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लें और फिर फिजिक्स को कंप्लीट कर लें। आप इस वे से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उस वे को ट्राई कर सकते हैं, वैसे ही आप अपनी रिवीजन को कर सकते हैं। अगर आपको डेली करना है तीनों सब्जेक्ट्स को तो वैसे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी ठीक रहेगा। अब आपको एक चीज़ और क्या करनी है, आपको हर संडे एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट देना है, देन उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क नहीं कर पाएंगे। जब आप संडे को एक फुल टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं वो वीक हैं, जहाँ से आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो आप आगे जब आप बायो को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को कर रहे हो तो आप उन अपने वीक पॉइंट्स पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। इसलिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आप जिस भी टेस्ट को दें उसका एनालिसिस ज़रूर करें, तीनों सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप टेस्ट देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें, ठीक है। तो ये तो हो गई रिवीजन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ, जो फॉर्मूला चार्ट्स मेरे पास हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस, जो नेम रिएक्शंस हैं उन्हें हाईलाइट किया हुआ है, जो दूसरी रिएक्शंस हैं उन्हें लिखा हुआ है, सबको, सभी रिएक्शंस को एक जगह लिखा हुआ है, सभी चैप्टर्स की रिएक्शंस को, और नेम रिएक्शन पर स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये फिज़िक्स के लिए है, फिज़िक्स में भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से फॉर्मूलाज से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें हाईलाइट किया हुआ है स्पेशली, ताकि वो अच्छे से याद रहें, उनकी तरफ स्पेशल अट्रैक्शन जाए। ये मेरे खुद के हैंड रिटन फॉर्मूला चार्ट्स हैं, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो के। ठीक गाइस, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से कवर अप हो रहे हैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स के, तो आप इन्हें ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास खुद के नहीं है तो। ओके गाइस, बाय बाय। तो आज की वीडियो में